बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वालों को मेरा प्यार भरा सलाम। मेरे चैनल पे आप सबको खुश आमदीद। हज़ार दुआओं के साथ आपका हर दिन ईद और हर रात शब बारात हो, आमीन। इस दुआ के साथ हम अपनी रेसिपी की जानब बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या बनाने लगे हैं। आज हम व्यूवर्स खजूर का मिल्क शेक बनाने लगे हैं और बहुत ही मज़ेदार है ये। जो बिल्कुल कमज़ोर बच्चे होते हैं ये उनके लिए भी बहुत अच्छा है, और जो बड़े भी हैं जिनमें वीकनेस ज़्यादा होती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है। आपने 20 से 25 खजूरें लेनी हैं और आपने इनको ब्लेंडर में डाल दें। आप गुठलियाँ वगैरह इसकी निकाल लें, इसको साफ़ कर लें, और इसके साथ आपने इसमें जितनी आपको चीनी की ज़रूरत है आप उतनी इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं इसमें 2 टेबल स्पून डालने लगी हूँ, ये डालने, और इसमें आपने दूध डालना है। 2 कप के करीब आपने इसमें दूध डालना है। अब आप इसमें ये क्यूब्स, बर्फ के क्यूब्स डाल लें, हसबे ज़रूरत जितनी आप डालना चाहते हैं आप उतनी डाल लें। जिनके बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं आप उनके लिए ये करें कि आप उनको सुबह 3 से 4 खजूरें दे दें और उसके साथ आप इसको दूध का एक गिलास दे दें बच्चों को, माशाल्लाह से सेहतमंद और तंदुरुस्त हो जाएंगे। और उसके अलावा आप इनको ये मिल्क शेक भी दे सकते हैं। व्यूअर्स, आपने अभी तक अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, रेड बटन दबा लें, और उसके साथ जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस करना ना भूलें, और मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो नई आने वाली बच्चियां और बहनें हैं उनको भी ये काम आ सके। आपने अगर कोई और चीज़ सीखनी है तो मुझे बताएँ। आपने इसको बादामों से गार्निश कर लेना है, और आपने अपनी दुआओं में मुझे याद रखना है। और अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।